हेलो गाइस, आई एम अभिषेक कनौजिया। सो आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे HTML टेबल्स। सो आपको मैं दिखाता हूँ HTML टेबल कैसी है। सो उसके लिए हमें टेबल टैग का यूज़ करना होगा। टेबल, ओपन टेबल टैग एंड क्लोज टेबल टैग्स, टेबल एंड क्लोज। सो बेसिकली इस टेबल में हम दो पार्ट होते हैं, एक टेबल हेड एंड एक टेबल बॉडी। सो सबसे पहले हम टेबल हेड के बारे में देखते हैं। टेबल हेड क्लोज, ओ सॉरी, टेबल हेड, ओके, एंड टेबल, इसको हम क्लोज करते हैं टेबल हेड। एंड एक होता है टेबल बॉडी। सो इस तरह से हमारे टेबल में दो हेड, एक हेड एक बॉडी, ओके। सो टेबल हेड के अंदर हम अपने हेडिंग्स, जो कि हमारे टेबल की हेडिंग्स होती हैं, वो लिखते हैं, और टेबल बॉडी के अंदर जो भी हमारा टेबल का स्ट्रक्चर डेटा होता है वो हम लिखते हैं। तो एक सिंपल ही टेबल का स्ट्रक्चर है। सो आप इसे देख सकते हैं। सो अभी हम टेबल हेड के अंदर लिखने वाले हैं। सो टेबल हेड के अंदर बेसिकली हमारी दो चीज़ें आती हैं, एक टेबल रो। टेबल रो एक प्रकार की रो है, ऐसे जैसे कि हम लोग कोई रो यूज़ करते हैं। सो सिमिलर ये भी एक तरह की टेबल रो है। इस टेबल रो के अंदर हम अपनी जो भी डिटेल्स, टेबल के नंबर, सीरियल नंबर, ये सब लिखते हैं टेबल हेड सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं TH, ओके। सो बेसिकली टेबल के अंदर दो होते हैं, टेबल बॉडी एंड टेबल हेड। टेबल हेड के अंदर हम TR का यूज़ करते हैं। TR इज़ बेसिकली टेबल रो। एंड टेबल रो के अंदर जब हमें कोई हेडिंग लिखनी होती है तो उसके अंदर टेबल हेड का यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले जैसे टेबल हेड में हम लिखते हैं नेम, ओके, नेम। एंड टेबल हेड को हम यहाँ पे क्लोज करना ना भूलें, नहीं तो ये एरर दिखाएगा। टेबल हेड के बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं रोल नंबर, रोल नंबर, एंड क्लास, ओके। सो हमने यहाँ पे अपनी तीन चीज़ें लिख रखी हैं। सो टेबल हेड के अंदर टेबल रो, टेबल रो के अंदर टेबल हेड। सो अगर मैं इसका आउटपुट देखूँ तो कुछ मुझे इस तरह दिखाई देगा, नेम, रोल नंबर एंड क्लास, ठीक है। ये हमारी टेबल हेड्स हो गई, जो कि बोल्ड कैपिटल लेटर्स में आ रही हैं। अभी हम इस टेबल के अंदर बॉडी, टेबल बॉडी के अंदर जाते हैं। तो इस टेबल बॉडी के अंदर भी हमें टेबल रो का यूज़ करना होता है, बट एक सिमिलर चीज़ है, जैसे कि टेबल रो यहाँ पे भी सिमिलर है, टेबल रो। एंड इस टेबल रो के अंदर केवल हमें कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, जैसे कि यहाँ पे हम टेबल हेड का यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, यहाँ पे टेबल हेड, ओके, आप समझ रहे होंगे। सिमिलर मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये टेबल हेड, कंट्रोल सी। एंड टेबल बॉडी के अंदर आ गए हम लोग। टेबल बॉडी के अंदर यहाँ पे हम जो यूज़ करने वाले हैं वो है टेबल डेटा, ओके, टेबल डेटा। सो केवल इतना अंतर है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे TD टैग का यूज़ करेंगे और वहाँ पे हम लोग टेबल हेड का यूज़ करते हैं, ओके, टेबल डेटा। सो आप देख सकते हैं टेबल डेटा, मैं इसको थोड़ा सा बाहर की ओर लिखता हूँ। सो इस टेबल डेटा के अंदर अपनी जो भी, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहला नेम यूज़ किया है, सो इस टेबल डेटा के अंदर मैं अपना पहले नेम लिखूँगा। इसके अंदर मेरा रोल नंबर है, जिसको मैं टेबल डेटा के अंदर ही लिखूँगा, क्लोज टेबल डेटा टैग्स। एंड माय रोल नंबर इज़ आई थिंक 21। एंड यहाँ पे मैं अपना टेबल क्लास लिखूँगा, तो आई थिंक आई शुड राइट 5th स्टैंडर्ड, ओके, मैं समझ सक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अपना नेम, रोल नंबर एंड क्लास लिख दिए टेबल डेटा के अंदर। अभी मैं इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं टेबल हेड यहाँ पे कुछ एरर शो हो रही है। वन सेकेंड, ओ दिस इज़ वन, ओके। टी बॉडी, टी रो, अभी मैं इसको सेव करता हूँ एंड रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम, रोल नंबर एंड क्लास, ओके। सो आप देख रहे हैं कैसा आउटपुट हमें मिल रहा है।
अभी जैसे कि मैं सिमिलर इसको कॉपी करता हूँ, ये मेरी टेबल डेटा का पहला वो है, ओ सॉरी, आपको इस टेबल डेटा के थ्रू पूरी रो कॉपी करनी होगी क्योंकि ये एक रो है। ओके, अभी आपको नेक्स्ट रो चाहिए तो आपको इसके लिए नेक्स्ट रो क्रिएट करनी होगी। जैसे कि मैंने इसको पूरा कॉपी किया है ऊपर वाली टेबल रो को, अभी मैं यहाँ पे नाम चेंज करता हूँ, तने रो नंबर 11, 21 एंड टेंडर 7th। ओके, अभी मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं मुझे इसके नीचे नेक्स्ट तने 11 स्टैंडर्ड मिल रहा है। सो इस तरह से हमारी टेबल वर्क करती है। अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, जैसे कि टेबल हेड है, मैं यहाँ पे टेबल और भी बढ़ा सकता हूँ। सो बेसिकली इस तरह हमारी टेबल वर्क करती है। अभी आप जैसे कि ऊपर देख रहे हैं, मैं यहाँ पे टेबल हेड में कुछ एक्सटेंशन ऐड करने जा रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे बॉर्डर ऐड करता हूँ, बॉर्डर, ओके, मैं यहाँ पे 2px का बॉर्डर ऐड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी टेबल के अंदर 2px का बॉर्डर ऐड हो चुका है। हर एक ब्लॉक पे नया ब्लॉक है, ठीक है। जैसे अभी से क्यों चार और एक ब्लॉक है 21 के और। सो अभी मैं इन ब्लॉक के बीच की, यानी कि नेम एंड इस बाहर वाले आउटर ब्लॉक के बीच की स्पेस चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे यूज़ करना होगा सेल स्पेस। ओके, तो CLL सेल स्पेसिंग, तो यहाँ पे मैं 5px का यहाँ पे डिस्टेंस देता हूँ उन दोनों के बीच में। तो आप देख सकते हैं मुझे चारों जितने भी ब्लॉक्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, इनके बीच में मुझे 5px का डिस्टेंस मिल गया है। आप अभी देख रहे हैं जैसे कि ये नेम अंदर लिखा है टेबल के, इसके बीच में अभी से एक के बीच में यहाँ पे बहुत कम स्पेस है। तो आप अगर इसके बीच में स्पेस चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेल पैडिंग का यूज़ कर सकते हैं। पैडिंग बेसिकली चारों ओर से हमें जो भी स्पेस मैं चाहूँगा वो स्पेस मुझे दे देगी। तो अभी यहाँ पे मैं अगर 8px का स्पेस लेता हूँ तो आप देख सकते हैं मुझे इस हर एक ब्लॉक के बीच में नेम से 8px डिस्टेंस पर स्पेस मिल गया है। सो इस तरह से हमारी टेबल वर्क कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि ये टेबल यहाँ से यहाँ तक की पूरी पूरी लेंथ पर रहे तो आप यहाँ पे विड्थ एंड हाइट उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ 500px, सो आई थिंक इट्स मोर, बट चेक इट, नो, या इट्स टू बिग, आई थिंक 300px इज़ गुड। ओके, 350, 60 इज़ गुड। सो आप देख रहे हैं मुझे यहाँ पे काफ़ी विड्थ मिल चुकी है। अभी आप अगर हाइट भी चाहते हैं तो आप इसके लिए हाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसकी हाइट बढ़ाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे हाइट देता हूँ, मैं यहाँ पे 150px की हाइट देता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे सेव करूँगा एंड आप देख सकते हैं हाइट यहाँ पे बढ़ गई है। इस तरह से हमारे सारे वर्ड अलग अलग हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हमारी पूरी टेबल बन चुकी है। जैसे कि आप किसी भी ब्लॉक को अगर कलर देना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक कोड बताता हूँ, हर ब्लॉक पे आपको यूज़ करना पड़ेगा। जब मैं आपको CSS पढ़ाऊँगा तो आप देख सकते हैं वहाँ पे सिंपल तरीके से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं एंड हर ब्लॉक का अलग अलग कलर भी दे सकते हैं। सो अभी मैं यहाँ पे टेबल हेड पे इस टेबल रो पे कलर ऐड कराता हूँ। तो उसके लिए मुझे BG कलर कोड यूज़ करना होगा। कलर कोड बेसिकली हैश से हो सकता है, या तो आप सिंपल, अगर आपको कोड नेम पता है तो रेड, तो मैं यहाँ पे रेड BG कलर यूज़ करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी पूरी टेबल में यहाँ पे रेड रेड कलर हो चुका है। मैं देखता हूँ कि क्या मैं इस पैडिंग पे स्पेस पे भी कलर आ सकता है, तो ट्राई। तो उसके लिए आपको इस टेबल हेड पे कलर देना पड़ेगा, BG कलर सिल्वर। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कलर दिया है। सो बेसिकली यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है इस BG कलर का, तो आप केवल ब्लॉक्स के अंदर को कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, सो अभी मैं टेबल रो पे जाता हूँ, इस टेबल रो पे, एंड यहाँ पे BG कलर पेस्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे सिल्वर कलर पहले अभी से एक पे सिल्वर कलर मिल जाता है, एंड अभी मैं इस पे येलो कलर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे येलो कलर भी मिल जाएगा। सो येलो, सो मैं चेक करता हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे टेबल पे कलर अलग अलग ले सकता हूँ। आप चाहें तो अगर अलग अलग ब्लॉक्स पे कलर चाहें तो आप इन TD, TR, इन बॉडी पे टी हेड और इस पे TD पे अलग अलग कलर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे BG कलर का यूज़ करके दिखा रहा हूँ आपको, ग्रीन।
तो ये ब्लॉक मेरा ग्रीन कलर का रहेगा एंड बाकी ऑल मेरा येलो कलर का है। सो इस तरह से आप टेबल यूज़ कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा और अच्छी टेबल कैसे बनाई जा सकती है सीएसएस का यूज़ करके। सो आज के लिए इतना ही।